नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेरेंटल काउंसलिंग, एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट प्रोफेसर कुसुम शर्मा। शी इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन NCERT। ये हमारे एक्सपर्ट आज के आपको टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, या अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, या अपने बच्चों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008-265-11-613। हमारा फैक्स नंबर है 2651-609। तो आइए हम अपने डिस्कशन हमारे एक्सपर्ट के साथ शुरू करते हैं। वेलकम मैम। जैसे कि हम जानते हैं कि आज का हम जो चर्चा करेंगे, हमारा जो विषय है वो है पेरेंटल काउंसलिंग। तो हमें पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से काउंसलिंग हम कर सकते हैं पेरेंट्स को, एंड बिफोर दैट व्हाई काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड। मैं पहले तो आपको सबको नमस्कार करती हूँ। पेरेंट्स मैं इसमें शुरुआत करूँगी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट से जी, कि हमें पेरेंट्स को क्यों इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा है कि अभी तक तो हम लोग ये सोचते थे एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स उनको लगता है हम सब कुछ जानते हैं, जो कुछ हम जानते हैं वो सही है, और पेरेंट्स को हमें बताना है और सिर्फ बताना है। पेरेंट्स को कुछ नहीं आता है और वो कुछ कोशिश भी नहीं करते हैं, और पेरेंट्स बच्चों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इस तरह की हम लोगों की धारणा रहती है। एक हम लोगों का एटीट्यूड जो है, क्योंकि बच्चा डिसेबल्ड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता है, और हमेशा ये सोच कर चलते हैं कि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे की तरफ। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हम अब जो आजकल ट्रेंड चला है, ज़्यादातर जो हम लोग कोशिश करें कि पेरेंट्स को साथ लेकर चलें, एज पार्टनर्स लेकर चलें, एज कोलैबोरेटर्स लेकर चलें, तो ये इस तरह का ट्रेंड रहता है। और अब इसमें हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इन्वॉल्व करने की, हम देखते हैं। इसमें एक स्लाइड में देखिए, ये है, इसमें जिक्र करा गया है नीड फॉर पेरेंटल डेवलपमेंट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व क्यों करना चाहते हैं? एक तो अगर हमें ये देख इसमें ये जो लिखा है मैं पढ़ के सुनाती हूँ। प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड, सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, ह्यूज रिसोर्स, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम्स फॉर देयर चिल्ड्रन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये मेजर एरियाज हैं जिसकी वजह से हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं जिक्र करूँगी कि अगर हमें हम ये चाहते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस हो और बहुत अच्छे से है वो बच्चा अचीव करे स्कूल में, तो हमें हम जो टीचर्स हैं सिर्फ अकेले वो ही बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। खासकर पेरेंट्स का रोल तो हर बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको साथ बिल्कुल हर स्टेज पर हम पार्टनर की तरह लेकर चलें। अब इसमें हमें जो ये मैं स्लाइड बता रही हूँ, द इंक्रीज पार्टिसिपेशन बाय पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स नीड्स कॉन्स्टेंट कोलैबोरेशन बिटवीन द टू। सच अ कोलैबोरेटिव कंसल्टेशन ओरिएंटेशन कैन सर्व टू एम्पावर पेरेंट्स हु इन टर्न आर लाइकली टू रिमेन लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम्स। टुडे वी विल एग्जामिन द पैरामीटर्स of collaborative consultation in order to develop a family orientation with the in the consultative process. जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि आजकल जो collaborative process है उसमें consultation में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि parent को हर stage पे involve किया जाए। ये
मैम, जैसे कि आपने बताया कि हम सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाई देर इज़ अ नीड फॉर द पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट. पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट मैम तभी हो सकती है जब जो पेरेंट्स का एटीट्यूड है इट शुड बी वेरी मच पॉजिटिव फॉर देयर चाइल्ड एंड द पेरेंट्स आर वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट फॉर द चाइल्ड. बहुत अच्छा कहा आपने. ये जो मैं बात अभी कर रही थी एटीट्यूड की, ये काफ़ी रिफ्लेक्ट होती है कि इसमें पेरेंट्स को हम मान कर चलते हैं कि पेरेंट्स बच्चे को अच्छी तरह से केयर नहीं कर पा रहे हैं. शायद वो जब बच्चा बच्चे के संग इस तरह की प्रॉब्लम हो तो बहुत समस्याएं आती हैं जो कि हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं बच्चे के लिए. उसमें बहुत इसीलिए आजकल जो है पॉजिटिव फैमिली और पेरेंट इन्वॉल्वमेंट पे रहता है और देर इज़ अ मूव टूवर्ड्स फैमिली रिगार्डिंग यू नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली. और उसमें हम कोशिश करते हैं कि रिस्पेक्ट दें बच्चे को. नेशनल एक्ट्स हैं उसमें भी काफ़ी फर्मली ये कहा गया है कि पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पेरेंट्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. अब ये स्लाइड हटाना है इसमें थोड़ा सा. नहीं उनको बोलना है. आप क्वेश्चन पूछ लीजिए. मैम जैसे कि आपने बताया कि पेरेंट्स का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और हम जानते हैं कि एक छोटा बच्चा जैसे बाय बर्थ उसका एक डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. तो डेवलपमेंट प्रोसेस जब उसका स्टार्ट होता है वी शुड लुक फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बी इट द सोशल पार्ट, बी इट द पर्सनल पार्ट, डेली लिविंग की उसकी एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशनल पार्ट है, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है. तो उसमें हम पेरेंट्स को किस तरीके से हम उसको उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सके. बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अगर हम सजेस्ट करें तो उससे सबसे पहले हमें ये देखना है. मैम जैसे कि अगर हम बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं तो उसमें फैमिली का एटीट्यूड, साथ के साथ फैमिली की इन्वॉल्वमेंट और आई थिंक प्रोफेशनल्स की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे से ज़रूरी है इन द राइट डायरेक्शन एंड द राइट टाइम. हाँ, अगर पेरेंट अगर हम प्रोफेशनल्स ये सोचें कि हमें उन पेरेंट्स को हेल्प करनी है तो उसमें सबसे ज़्यादा पहले हमें ये देखना चाहिए कि पेरेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं. अब ये स्लाइड में देखिए डिफ़िकल्टीज़ का इसमें मैंने जिक्र करा है कि पेरेंट्स कि किस किस तरह की मतलब पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. पेरेंट्स को बच्चा जो है नॉर्मली टाइम ऑड टाइम पे जग सकता है या बच्चे को किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है. जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी बच्चा है तो उसमें बच्चे को हो सकता है कि काफ़ी बार बार उठना पड़े, कई तरह की डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं. टॉयलेट ट्रेनिंग की है और अगर बच्चे को उठना है तो पेरेंट को भी साथ में उठना है. तो ये मैं एक बार इनकी डिफ़िकल्टीज़ का पढ़ के सुनाती हूँ. स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं ड्यू टू द चाइल्ड्स डिसेबिलिटी विच माइट कॉज द पेरेंट्स लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी. देन देर आर फिजिकल बर्डन रिलेटेड टू ड्रेसिंग, लिफ्टिंग, फीडिंग एंड सो ऑन दैट एन इलनेस और डिसेबिलिटी माइट क्रिएट फॉर द पेरेंट्स. देन कॉम्प्लिकेटेड डाइट्स हैं विच रिक्वायर एक्स्ट्रा टाइम. देन एक्स्ट्रा हाउस क्लीनिंग विच माइट बी नेसेसरी. फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मे बी देयर. देन अडेप्टेशन दैट मे बी नीडेड इन द हाउसिंग एंड फर्निशिंग एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द डिजीज और डिसेबिलिटी. ये डिफ़िकल्टीज एक्स्ट्रा हैं जो कि पेरेंट्स को फेस करनी है. नॉर्मली ये सब काम पेरेंट्स को बहुत थोड़े टाइम करना पड़ता है. एक नॉर्मल बच्चा जो है कुछ महीने करना पड़ता है तो उसके बाद बच्चा भी बड़ा हो जाता है और काफ़ी कंट्रीब्यूट करने लगता है तो पेरेंट्स की वो थकान नहीं होती है. मोटिवेशन होता है कि बच्चा आगे जा रहा है, पढ़ रहा है. अब ऐसे केस में ये होता है कि पेरेंट्स को बहुत लंबे अरसे तक हमेशा ही यूँ समझिए कि ये डिस्टर्बेंस रहेगी नींद में और बार बार पेरेंट्स को मतलब बहुत ही फिजिकल ड्रेन हो जाता है उनकी एनर्जी के ऊपर. और बच्चे को कई बार ऐसा भी होता है कि बताते हैं कि ये डाइट नुकसान करेगी, ये फ़ायदा करेगी,
तो वो बहुत कम्बरसम हो जाता है प्रोसेस की हर रोज़ हर मतलब घर से अलग उनको कुछ बनाना पड़े जो कि सब लोग खा सकते हैं, और जो वो खाते हैं शायद बच्चा नहीं खाए और जो और लोग ना पसंद करें, तो इसलिए बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाता है उनके लिए। हाउस क्लीनिंग भी अगर बच्चा बहुत टॉयलेट ट्रेंड नहीं है तो बार बार ट्रेनिंग बार बार क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी और हमेशा भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये काम हमेशा ही करना पड़े, ये नहीं है कि एक जैसे कि नॉर्मल बच्चे के साथ होता है कि कुछ समय बाद ये काम ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि ये सब बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाना है, थेरेपिस्ट के पास जाना है, तो काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेन भी रहता है। और बहुत तरह की कई बार घर में अडेप्टेशन, जैसे कि हम स्कूल में अडेप्टेशन की बात करते हैं, इसी तरह घर में भी अडेप्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं व्हील चेयर पर अगर बच्चा है तो दरवाज़ा चौड़ा होना चाहिए, कमरों का भी होना चाहिए, रसोई का भी है, बच्चा घर में मतलब है तो हर जगह जाएगा। एडजस्टमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि बच्चा हर घर में है तो हर जगह जाएगा, रसोई में भी जाएगा, टॉयलेट में भी, कॉरिडोर भी कई बार इतना बड़ा है या नहीं है, तो हर तरह से बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल स्ट्रेन हो जाता है और अडेप्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। और पता नहीं होता कि बीमारी कैसे प्रोग्रेस करेगी, उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, तो पेरेंट्स को इस तरह की बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं और इन्वॉल्व करने में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। रेजिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इज एसोसिएटेड विद अ वैरायटी ऑफ इश्यूज, लीस्ट ऑफ विच इज़ अ पोटेंशियल थ्रेट टू अ पेरेंट्स सेंस ऑफ आइडेंटिटी। द प्रैक्टिकल इश्यूज हेल्प विद द चाइल्ड, द प्रैक्टिकल इश्यूज आर हेल्प विद द चाइल्ड, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशनल इश्यूज, स्ट्रक्चरल चेंजेस अराउंड द होम, देन पेरेंट्स नीड्स आर इट रिक्वायर्स केयर, काउंसलिंग एंड सपोर्ट, recognizing and dealing with the threat to one's identity. The threat to identity is one of the lesser understood difficulties which parents face. However, upon learning that these feelings are normal, parents can find ways of maintaining a strong sense of self or reshape their identities. Attending to such issues help people to derive satisfaction and fulfillment within the context of rearing their family. सबसे पहले अगर ऐसे बच्चे को रेज़ करना है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज अराइज़ होते हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज हैं कि बच्चे को किस तरह से हेल्प करी जाए। जैसा कि अभी मैंने जिक्र करा कि बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग है और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशन है, और ये किस तरह की एजुकेशन इंक्लूसिव होगी या स्पेशल एजुकेशन में होगी, अगर स्कूल एडमिशन देगा या नहीं देगा, कैसा देगा, फिर वहाँ पे टीचर स्पेशल टीचर हैं या नहीं है, उनको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसमें एक अडेप्टेशन किस तरह के किए जा सकते हैं, कंटेंट में अडेप्टेशन है या नहीं है, स्ट्रेटजीज में अडेप्टेशन है, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं विद इन द स्कूल एंड अराउंड होम भी उन्होंने अपने घर में कर दिया। बच्चा अगर मतलब ग्राउंड फ्लोर में ही रहना है, अगर बच्चा अगर लोकोमोटर प्रॉब्लम्स हैं और व्हील चेयर में है तो उसके लिए अलग अडेप्टेशंस चाहिए, अलग चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, और मतलब अलॉटमेंट अगर होता है कहीं घर का फर्स्ट फ्लोर पे है तो वो अलग एक दूसरी प्रॉब्लम बन जाती है। और अगर जैसे जैसे बच्चा एज में बढ़ता जाता है उसको ऊपर ले जाना नामुमकिन सा हो जाता है, और रोज़ाना स्कूल कैसे पहुँचाया जाएगा, तो एक्सेसिबिलिटी भी एक इशू बन जाता है। तो पेरेंट्स की ज़रूरतें क्या उसमें हमारी जो हैं वो है कि बच्चे की किस तरह की केयर होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, उसको किस तरह का सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट सर्विसेज स्कूल में मिलेंगी या बाहर होंगी, और अगर छोटे शहर में है तो ये सपोर्ट सर्विसेज हैं भी या नहीं हैं, और इसमें पेरेंट्स हम लोग नहीं समझ पाते, पेरेंट्स की अपनी आइडेंटिटी बहुत हिल जाती है, जो उनकी अपनी पहचान है। कई बार बहुत अच्छे जैसे डॉक्टर्स भी हैं, अगर उनके बच्चे को अगर कोई समस्या है तो यू नो दे हैव अ वेरी सेल्फ आइडेंटिटी उनकी जो है वो बहुत, उनको ये लगता है कि हम क्या कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, डू वी नो इट और नॉट, व्हाट फॉर अवी दे, यू नो उनका अपना जो अस्तित्व है वो बहुत खतरे से जैसा लगने लगता है, और इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि एड्रेस होने चाहिए। अब
मैम जैसे लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड एंड विद द पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट और हमने बहुत सारे इश्यूज के बारे में बात की कि कौन कौन से इश्यूज जो है इसमें इंक्लूडेड होते हैं. तो मैम मोस्ट द वेरी कॉमन और वी कैन से द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द एनवायरमेंट. जैसे बच्चे के लिए हमें किस तरह का एनवायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए एंड द स्टिमुलेशन इन द एनवायरमेंट कैसे हमें प्रोवाइड करना चाहिए. तो वी वुड लाइक टू नो कि हम बच्चे को कैसे एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और ये उसकी डेवलपमेंट में कैसे इन्फ्लुएंस करता है. बच्चे को एनवायरमेंट के लिए बहुत जगह एनवायरमेंट अगर हम देखें तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. हमें साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है और फिज़िकल एनवायरमेंट का भी. फिज़िकल में जो कि मैंने स्ट्रक्चर की बात करी उसमें फिर बहुत चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं. घर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, कम्युनिटी में नहीं कर सकते हैं पेरेंट्स, और स्कूल में भी पेरेंट्स के हाथ में नहीं है. पर हाँ, स्कूल को चाहिए कि वो स्ट्रक्चरल चेंजेस करे. साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का काफ़ी रोल होता है पेरेंट्स का. कई बार बच्चे की सेल्फ एस्टीम है वो बिल्डअप करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है बच्चे का वो बिल्डअप करना है, इस तरह का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है. बच्चे की एक्सेप्टेंस है डिसेबिलिटी की, कि किस तरह से वो एक्सेप्ट करते हैं डिसेबिलिटी, उसमें पेरेंट्स का थोड़ा सा रोल रहता है. और स्कूल को ये काफ़ी समझना चाहिए कि वो किस तरह से एक्सेप्टेंस को बढ़ा सकते हैं, और काफ़ी हद तक इसमें स्कूल का ज़्यादा रोल रहेगा एनवायरनमेंट की जहाँ तक बात है. जी, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर मान लीजिए बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग तो दे आर नॉट एबल टू गिव प्रॉपर टाइम और वी कैन सी द क्वालिटी टाइम टू द चाइल्ड. और दूसरी बात, उसका कुछ जैसे पीयर ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए. अगर बच्चे का सोशल ग्रुप अच्छा नहीं है, उसको सोशलाइजेशन करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो वो भी एक इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने. इसमें स्कूल को ये चाहिए कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को एम्पावर करें जी, कि क्या क्या उससे जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उनको दी जाए. फैमिली इन्वॉल्वमेंट और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के लिए जो आजकल ट्रेंड चला है, जो आजकल ये रिकग्नाइज़ किया जाता है कि पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट अलॉट टू द चाइल्ड एंड चाइल्ड्स एजुकेशन एंड दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दे आर इक्वल पार्टनर्स. ये जो रिकग्निशन है ये अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. और इसमें जो हम लोग बात करते हैं कि पेरेंट्स उसमें रोल लें, उसमें काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आती हैं. कई बार स्कूल को ये देखना पड़ता है कि जो पॉलिसी है स्कूल की, कई बार क्या होता है कि जो स्कूल अपने इंटरनल एक पॉलिसी बना लेते हैं कि पेरेंट्स हर वक्त नहीं आ सकते, या वंस इन अ मंथ मिलेंगे या वंस इन टू मंथ्स मिलेंगे. तो उसमें कई तरह की ऑब्स्टेकल्स आती हैं कि पेरेंट जो स्कूल सिस्टम है वो बहुत सेंसिटिव नहीं होता है. तो पेरेंट्स को एक तो स्कूल को चाहिए कि सबसे पहले पेरेंट्स को एम्पावर करने के लिए इन्फॉर्मेशन दें वो जी. और जैसे कि अब काफ़ी सारे हमारे यहाँ एक्ट्स भी आ गए हैं, लेजिस्लेशन है, पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो सारी चीज़ें उनको बताने की ज़रूरत है. ये हमारी मतलब समाज की जिम्मेवारी बनती है कि हम पेरेंट्स को अवेयर करें कि इस बच्चे के क्या राइट्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या स्कीम्स हैं सरकार की, जिनके तहत उनको उनकी उनको कई तरह की सुविधाओं का प्रावधान है. उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें बताएं कि किस तरह के क्या प्रोसीजर्स होते हैं और किस तरह का लेजिस्लेशन है जो कि उनको सपोर्ट करता है. इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द पेरेंट्स आर मेड अवेयर ऑफ द स्पेशल नीड्स इन द चाइल्ड, देयर राइट्स, पॉलिसीज, स्कीम्स दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स, प्रोसीजर्स एंड ऑफ प्रोक्योरिंग एंड अपीलिंग फॉर द सेम सो दैट दे कैन एक्ट एज पार्टनर्स. First of all, the parents need to know that there is a legislation to support them. तीन तरह के legislative acts हैं और policy हैं. सबसे पहले ये इसमें देखिए slide में, एक तो Rehabilitation Council of India Act है 1992 में, RCI Act है. और उसके बाद the Persons with Disabilities Act है, Equal Opportunities and Protection of Rights and Full Participation Act, जो कि 1995 में बना था, एंड PWD Act है.
देन द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट जो कि 1999 में बना था अकॉर्डिंगली इन यू नो इन लाइन विद दीज एक्ट्स देर इज़ अ पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन बाय द गवर्नमेंट एंड रेलिवेंट स्कीम्स लाइक IDC विच हैज़ बीन मर्ज्ड विद SSA एंड IDSS इन विच दे गेट बेनिफिट्स लाइक यूनिफॉर्म स्टेशनरी बुक्स ट्रांसपोर्ट प्रोविजन्स फॉर इवेल्युएशन एट्सेट्रा. तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में उनको बताया जाए कि जो ये इंफॉर्मेशन है वो दी जाए. नाउ हाउ कैन द स्कूल प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन? लेट अस सी. स्कूल की ये जानकारी हम स्कूल जो है वो ब्रोशर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या बुलेटिन बोर्ड पे कटिंग्स हैं या स्कीम्स हैं उनको पुटअप किया जा सकता है ताकि पूरी जनता स्कूल में आम बच्चों के पेरेंट्स भी ये जाने कि ये सुविधा है. और कई बार कम्युनिटी में और बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और जो पेरेंट्स जिनके बच्चे जिनकी बच्चों की विशेष आवश्यकताएं हैं उन पेरेंट्स के लिए भी ये जानकारी बहुत यूज़फुल होगी कि उनको किस किस तरह की सुविधाएं हैं. अब जैसे कि उनको ये नहीं पता होता कि डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कहाँ से लाना है तो प्रोसीजर्स पता होने चाहिए कि कैसे वो अप्लाई करें. और कई बार उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ऐसे बच्चे भी एडमिट हो सकते हैं स्कूल में. तो अगर स्कूल में ये सारा डिस्प्ले हो कि ऐसे बच्चों का एडमिशन होता है यहाँ पर. सरकारी स्कूलों में नॉर्मली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं की जाती हैं और पेरेंट्स हैव टू अंडर दिस सच एन इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड सो दैट द जनरल पब्लिक एंड द कम्युनिटी ऑल्सो नोज एंड कैन कम्युनिकेट टू द कंसर्न पर्सन्स. पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ देयर राइट टू गेट एडमिशन टू द स्कूल एंड दैट देयर इज जीरो रिजेक्ट पॉलिसी. हाउ टू अपील अगेंस्ट द स्कूल्स डिसीजन नॉट टू टेक द डिसीजन नॉट टू टेक द चाइल्ड and where to go for the disability certificate and how to go about it and all the procedures. Suppose the school refuses the admission, then where can the parent go? How do they get the evaluation done? As a parent, where they can go for evaluation of the child to determine his needs, special needs and related services. The evaluation can include psychological and educational testing, a speech and language evaluation, occupational therapy assessment and a behavior analysis. These are some of the steps which the school can take. जी जैसे कि मैम आपने बताया कि स्कूल कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं और किस तरीके से किस प्रोसेस से हम पेरेंट्स को अवेयर करा सकते हैं कि व्हाट आर द फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर देयर स्पेशल चाइल्ड और क्या क्या फैसिलिटीज वो कैसे अवेल करा सकते हैं उसको और उनको वो कैसे यूज कर सकते हैं ये हम बात कर रहे हैं. और एज अ पेरेंट यू शुड नो दैट व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज योर चाइल्ड शुड हैव. वी विल गो ऑन टू द फर्दर डिस्कशन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. हम होंगे काम में हम होंगे काम में हम होंगे काम में आप एक दिन. ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे काम में आप एक दिन. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. This is Aparna.
She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. This is Raj Bala. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तुले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। मन अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम बात कर रहे थे कि कैसे स्कूल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स को अवेयर कराने के लिए, तो इसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि कैसे स्कूल सिस्टम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मैम, जैसे कि आप इसके बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेरीज हैं, जो भी व्यूज़ अपने शेयर करना चाहते हैं या हमें कोई भी अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगी टोल फ्री नंबर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008, 265-11-613। हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब ऐसा होता है कि ऐसे जो बच्चे हैं काफ़ी हद तक ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से हैं। अब पेरेंट्स को ये ज़रूरत है बताने की कि वो एप्लीकेशंस कैसे लिखें, कहाँ जाएं, क्या करें। बहुत पेरेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं, टेंस होते हैं, तो उनको किस तरह से इंफॉर्मेशन दें, ये सब चीज़ें उनको बताने की ज़रूरत है। और कई बार पेरेंट्स को ये भी बताना पड़ता है कि अगर मतलब उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, कहाँ से लाने हैं। और कई बार क्या होता है कि वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास दिखाने जाते हैं और उन रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है, इस तरह की भी उनको ज़रूरत महसूस होती है। दे हैव टू बी टोल्ड
to keep careful records, including observations reported by the child's teachers and any communication, notes, reports, letters, etc. between home and school. The results of the evaluation determine the child's eligibility to receive a range of services under the applicable law or the schemes. After the evaluation, an IEP may have to be developed. And there are various examples of categories of services in IEPs would include occupational therapy, physical therapy, speech and language therapy, and the provision of a classroom aid. Parents do not determine whether their child is eligible under the law. However, parents are entitled to participate in the development of the IEP. Parents should know that the findings of the evaluation team are not final. They have the right to appeal their conclusions and determine the school should provide them with the information about how to make an appeal. जी, जैसे कि मैम आपने बताया कि कैसे स्कूल सिस्टम एक इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा पेरेंट्स को अवेयर करा सकते हैं, और उसमें हमने जाना कि कहाँ एप्लीकेशन लेनी है, किस तरह से हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी है, क्या पूरा उसका एक प्रोसीजर है, ताकि पेरेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाए उस प्रोसेस को फॉलो करना और अपने बच्चे के लिए पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. जी, अब हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं. जी, पेरेंट्स शुड नो वेयर दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन. लाइक नेट पे अगर कुछ सर्च करना है, अगर उनको कुछ, पेरेंट्स शुड नो वेयर दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन लाइक नेट, मिनिस्ट्री और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और ब्यूरो एट्सेट्रा. दे मे हैव टू एडवोकेट फॉर द चाइल्ड एंड नीड टू बी प्रोएक्टिव एंड मेक नेसेसरी स्टेप्स टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड रिसीव्स अप्रोप्रिएट सर्विसेज. द प्रोसेस कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड इंटिमिडेटिंग फॉर पेरेंट्स. दिस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट वेन अ स्कूल रिफ्यूजेज सर्विसेज. If a school does not respond to their request, they can contact Department of Education office or Commissioner Disability for assistance. If a school refuses services, parents may choose to challenge this decision through a due process hearing, a legal hearing in which they can express their views and concerns. Next stage in which the parents can be involved is early identification. What to observe and look for, what to expect at what stage, a checklist of expected behaviors in a child can help them to identify a particular disability and provide early stimulation. जी मैम, यहाँ पे आपने एक पॉइंट की बात की है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन. तो हम जानना चाहेंगे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हमें क्यों करनी चाहिए एंड वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. ऐसा होता है जब भी अगर कोई भी बीमारी, किसी भी, कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जी, और निप द ईविल इन द बड. तो इसलिए अगर शुरू में ही कोई चीज़ पकड़ में आ जाती है तो वो आगे बढ़ती नहीं है. बहुत सारी, ये तो है नहीं कि बहुत सारी हमारी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, इवन इफ दे आर नॉट क्योरेबल, जी, होता क्या है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो जाते हैं और बढ़ते जाते हैं. जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, एक सेरेब्रल पॉल्सीड बच्चा है और उसके मसल्स अगर रिजिड हैं और अगर उसको पोस्चर उसका सही टाइम पे ठीक नहीं करेंगे तो उसके कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाएंगे, मतलब कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स बच्चे में बढ़ जाएंगे. हाँ, और बच्चे के वो फिर बाद में हैंडल करना मुश्किल होगा. जी, इसी तरह से किसी लर्निंग डिसेबल बच्चा है या मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, अगर कुछ उसको हिसाब सिखा रहे हैं, उसको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे तो वो आगे एलजेब्रा और उस हायर लेवल की चीज़ें नहीं कर पाएगा. तो जितनी भी चीज़ें हैं वो एडअप होती जाती हैं धीरे धीरे, बिकॉज एज के साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स फॉर्मेशन और डेवलपमेंट इंक्रीज होती जाती है. जी, तो इसी, अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उनको हम लोग चेकलिस्ट भी दे सकते हैं. जी, As there are several types of special needs, an information brochure containing indicators can mention whether the child is suspected to have any of the disabilities like autism, learning disability, ADHD, visual impairment, hearing impairment, mental challenges, locomotor problems or leprosy,
और एनी अदर लाइक एस्पर्गर्स डिजीज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों में, किसी भी बच्चे में अलग अलग हो सकती हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं या मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। तो अगर पेरेंट्स अंडरस्टैंड करें कि बहुत जल्दी ही समझें, तो वो इंटरवेंशन दे सकते हैं, अर्ली स्टिमुलेशन दे सकते हैं जो कि मतलब प्रोफेशनल्स के साथ काम करके वो बहुत अच्छी तरह से बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बहुत सुधार आ सकता है बच्चे के अंदर। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल्स जब कुछ भी देखना चाहते हैं, जिस बेसिस पे वो जज करते हैं कि बच्चे के अंदर ये एबिलिटी है या नहीं है, ये फंक्शन बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ पेरेंट ही दे सकता है। और ये पेरेंट्स अगर द चाइल्ड इज स्पेंडिंग मच ऑफ द टाइम विद द पेरेंट्स, या बिल्कुल ठीक है, जैसे पेरेंट्स के संग वो बच्चा हर वक्त है, बच्चा उठ सकता है, कैसे उठता है, क्या करता है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल ऑब्जर्व कर रहा है तो बहुत बार मूड में भी नहीं होता बच्चा जवाब देने के, और हर फंक्शन कराया नहीं जा सकता, टॉयलेट ट्रेनिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, रिपीट नहीं होती हैं, तो पेरेंट्स ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन में पेरेंट्स को ये गाइड करें कि ये हम ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, ताकि वो उनको बताएं, उनको चेकलिस्ट दें, तो वो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ना भी ऑब्जर्व कर पाए हों, तो वो जाकर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये असेसमेंट 2-3 दिन में भी अगर होता है तो बच्चे को, मतलब वो एक्टिविटीज़ करवा कर भी पेरेंट्स उसको देख सकते हैं कि उस समय शायद नहीं करी, मूड में नहीं था, तो घर जाकर वो एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस तरह की चेकलिस्ट अगर दे दें तो काफ़ी पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी, अभी तक ये होता था कि प्रोफेशनल्स हमेशा खुद ही उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, खुद ही उन्होंने लेबल कर दिया, खुद ही असेसमेंट करके डिक्लेयर कर दिया, और बहुत बार ये असेसमेंट्स गलत भी हो जाते थे। जी, और एक बार जब लेबल लग जाता है तो हमेशा के लिए लेबल लग जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हर स्टेप पे पेरेंट को इन्वॉल्व किया जाए। सो वी कैन से इन अ सर्कल द पेरेंट्स child and the professionals, all their involvement is very much important. बिल्कुल। तो मैम जैसे यहाँ अपने examples के साथ बताया कि children with autism, learning disability, cerebral palsy, mental retardation, different disabilities के जो बच्चे होते हैं उनका early identification हम कैसे कर सकते हैं and why it's important. तो depending on the disabilities like you have explained, तो is the school system and the parents involvement differ? School system, सॉरी दोबारा, इज द स्कूल सिस्टम एंड द पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, हाँ, क्या ये डिफर करती है डिपेंडिंग ऑन द डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी के ऊपर नहीं, पर स्कूल की अपनी पॉलिसी हो सकती है कि हम ये करेंगे और पेरेंट को नहीं इन्वॉल्व करना। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारी स्कूल को लगता है हमारी इंटरनल बातें हैं जो कि पेरेंट्स शुड नॉट नो। जी, अब क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है तो हम इस बात को ज़्यादा हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए, दे इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप। एंड इट इज़ नॉट ओनली दैट, यू नो, वी इट्स नॉट ओनली बिकॉज वी आर बीइंग ट्रांसपेरेंट, वी हैव टू यू नो कम्युनिकेट टू द पेरेंट्स दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट देम वी कैन नॉट डू द राइट असेसमेंट। सो यू नो द रिस्पेक्ट पार्ट, द डिग्निटी पार्ट इज ऑल्सो कमिंग इन, so there is an additional factor. Ji, and it is, we are not doing transparency only because they should know, we are also doing it because we need their help. So if they don't need our help, we also need their help. So that is the main shift in the paradigm. ab isme hum dekhte hain jaise ki bahut alag disabilities ki baat hai, autism mein hai, jaise parents whose child is suspected to have autism would need a comprehensive evaluation and specialized behavioral and educational program. Some children with autism may also benefit from treatment and with medication. You also can help families cope with a stress which may be associated with having a child with autism. Although there is no cure for autism, appropriate specialized treatment provided early in life can have a positive impact on the child's development and produce an overall reduction in disruptive behavior and symptoms.
अब जैसा कि मैंने कहा कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है और कहीं मेडिकेशन की भी ज़रूरत हो तो पेरेंट्स को जब तक ये इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेरेंट्स को लगेगा कि शायद ऐसा ही सारे सारे बच्चे करते हैं, और जब तक उन्हें समझ आएगा कि बच्चे में कुछ ज़रूरत है सुधार की, तब तक वो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको बहुत पहले ही इन्वॉल्व कर लें। और इसी तरह से बच्चे की बहुत सारी अगर लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं तो किस तरह से उनको सॉल्व किया जाए। पेरेंट्स आर ऑफन वरीड व्हेन द चाइल्ड हैज़ लर्निंग प्रॉब्लम्स इन स्कूल, दे ट्राई वेरी हार्ड फॉर टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, दे कॉन्सेंट्रेट एंड बी गुड एट होम एंड इन स्कूल, येट डिस्पाइट दिस एफर्ट ही और शी इज़ नॉट मास्टरिंग स्कूल टास्क एंड फेल्स बिहाइंड। सो दो पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं, दो अ पेरेंट कैन कोप विद लर्निंग डिसेबिलिटीज बट इफ नॉट डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड अर्ली दे कैन हैव अ ट्रैजिक स्नो बॉलिंग इफेक्ट। दिस इज एन एग्जाम्पल विच आई ऑलरेडी गिवन। फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड डज नॉट लर्न एडिशन इन एलिमेंट्री स्कूल, कैनॉट गो टू अ हायर, कैनॉट अंडरस्टैंड एलजेब्रा इन हाई स्कूल। The child trying very hard to learn becomes more and more frustrated and develops emotional problems such as low self-esteem in the face of repeated failure. Such learning disabled children misbehave in school because they would rather be seen as bad than stupid. So, because of these problems, we have lots of emotional problems also in children and इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको अगर एड्रेस नहीं किया जाए तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स बाद में बन सकती हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को उस आइडेंटिफिकेशन में, असेसमेंट में इन्वॉल्व करें, और उसके अलावा उनकी जो प्लानिंग है उसमें उनकी मदद लेनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग जो है अभी तक पेरेंट्स का प्रेरोगेटिव नहीं था, अब उसमें भी ये मतलब कहा जाता है कि पेरेंट्स को राइट है कि वो डिसाइड करें कि अगर आपने जो इवैल्यूएट करा कि वो ठीक नहीं मानते हैं तो वो कहीं और से भी करा सकते हैं इवैल्यूएशन। और इसी तरह से उनके क्या किस तरह के बच्चे के रिजल्ट्स आए हैं उस पर डिसाइड होगा कि बच्चे का क्या आईईपी बनेगा या नहीं बनेगा। द स्कूल मे हैव टू डेवलप एन आईईपी ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट एंड व्हेन द आईईपी इज मेड वंस अगेन इट हैज़ अ यू नो वैरायटी ऑफ सर्विसेज विद इन इट। सो अंडर ईच थेरेपी, अंडर ईच कॉम्पोनेंट फॉर ईच सब्जेक्ट देर आर वेरियस एरियाज इन विच द पेरेंट्स कैन हेल्प। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी तरह का कोई थेरेपी में असेसमेंट करना है तो और उसके बाद प्लानिंग करनी है तो किस तरह से जैसे कि मैम आपने आईपी की बात करी और आईपी के बारे में आपने बताया कि अगर मतलब असेसमेंट करवाया और पेरेंट्स को लगता है कि उनको कहीं दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट असेसमेंट और वो कहीं और से असेसमेंट कराना चाहते हैं तो दे आर फ्री टू गो एनीबडी एनीवेयर टू गेट द असेसमेंट, टू गेट द राइट असेसमेंट फॉर देयर चाइल्ड। और उसमें हमने बात करी कि अगर फिर लगता है कि बच्चे के लिए आईपी की ज़रूरत है तो हम एक आईपी डेवलप करते हैं और उसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स को असेसमेंट करते हैं। तो इसमें मैम एक आई थिंक एक पॉजिटिव पार्ट भी है कि टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन बच्चे का होगा जिससे कि प्रोग्रेस चार्ट हम बच्चे का देख सकते हैं कि जिस टाइम से हमने बच्चे का आईपी बनाना स्टार्ट किया और टिल नाउ व्हाट द प्रोग्रेस इज देयर इन द चाइल्ड। इसी तरह से अगर हम बच्चे को जैसे एक जो आईपी में हर चीज के अंदर गोल्स सेट करते हैं जी, अब गोल सेट करने में भी पेरेंट्स का रोल होना चाहिए कि वो बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये पेरेंट्स ही जज कर पाएंगे कि इतने टाइम में उसका इतना प्रोग्रेस रहा तो उसके बाद थोड़े टाइम में वो इतना कर भी पाएगा या नहीं, दो साल में क्या कितना करेगा, एक साल में कितना करेगा, एक महीने में कितना करेगा, एक यू नो जितना यूनिट है यूनिट टर्म टाइम में वो कितना कर पाएगा जी। तो गोल सेटिंग है, एक्टिविटीज़ किस तरह की कर पाएगा, फिजिबल भी हैं उनके लिए या नहीं है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के साथ मिलकर ही प्लान की जाती हैं और वो गोल्स अचीवेबल भी हैं या नहीं हैं। तो
तो ये आईपी प्लानिंग में बच्चे की बहुत मदद करते हैं. एंड फॉर ऑल दिस होल प्रोसेस द कंसर्न ऑफ द पेरेंट्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. अब आईपी बनाने के बाद और प्लानिंग करने के बाद बच्चे को जो करिकुलम ट्रांजैक्शन करना है उसमें भी पेरेंट्स का किस तरह से हम इन्वॉल्व करते हैं ये देखते हैं कि अगर हमने करिकुलम ट्रांजैक्ट करना है और उसमें किस तरह की एड्स की ज़रूरत है, क्या वो एड्स अवेलेबल होंगी घर पे अगर या नहीं. अब कुछ भी चीज़ अगर पढ़ाई जाती है स्कूल में तो उसको घर में मीनिंगफुल बनाना, घर से रिलेट करना और वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को रीइंफोर्स करना और उसको आगे एक्सटेंड करना और उनको ऐसे सिचुएशंस में सिखाना कि बच्चा उसको जनरलाइज कर सके आगे हर जगह और उसको एक अच्छे तरह से याद रहे, सस्टेन कर सके, ये सब चीज़ों के लिए पेरेंट्स के बिना नहीं पॉसिबल है. अब जैसे कि अगर कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन पढ़ाया है तो उसको अगर वो घर में शॉप बना के एक या एक्चुअली शॉप में भेज के बच्चे को वो थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत अमाउंट दे के पेरेंट्स अगर भेज के अगर उसको कराते हैं कि इतना सामान ले आओ, अगर उसको ऐड करना है तो वो जाकर अगर ख़रीदता है तो वो जनरलाइज कर लेता है उसको और वो रिलेट कर पाता है, मीनिंगफुल बन जाता है, एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसके लिए यूजफुल हो जाते हैं. सो वी कैन से दैट इट्स नॉट अबाउट द लर्निंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज. हाँ, पेरेंट्स को हर एक्टिविटी में और ये एक्टिविटीज प्लान करने में स्कूल का बराबर का कोलैबोरेशन रहना चाहिए कि स्कूल उनको डिवाइस करके दे, डिज़ाइन करके. कई बार पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं वो खुद भी कर लेते हैं और कई बार पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते हैं तो बताना भी पड़ सकता है कि किस तरह की एक्टिविटीज़ वो करा सकते हैं ताकि जो कुछ लर्निंग स्कूल में कराई जा रही है वो रीइंफोर्स हो जाए. और सिर्फ क्लासरूम सिचुएशन की बात नहीं है, हर थेरेपी में अगर स्पीच थेरेपिस्ट है वो एक पर्टिकुलर साउंड पे काम कर रहा है तो वो काम टीचर भी क्लास में कराएगी कि उन्हीं साउंड्स को लेके वो वर्ड्स कराएं ताकि वो वर्ड्स वो साउंड्स रीइंफोर्स हो जाएं और बच्चा उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने का मौका मिले. इस तरह से जब वो घर में जाता है तो वही वर्ड्स और वही साउंड्स घर में ज़्यादा प्रैक्टिस हों या उसी तरह के साउंड्स को लेके कुछ वर्ड्स ऐसे घर में जो इस्तेमाल के वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में भी उस साउंड का इस्तेमाल होगा तो बच्चा उसको अच्छी तरह से याद कर पाएगा. मतलब कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट विद इन द स्कूल आउटसाइड एंड पेरेंट्स. फिजियोथेरेपी में अगर किसी पर्टिकुलर मसल को अगर एक्सरसाइज के जरिए उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो घर में जो गेम्स करता है एक्टिविटीज हैं उसमें खेलता है बच्चा तो वो चीज़ें पेरेंट्स को पता रहे कि क्या कराई जा रही है और उससे मिलती जुलती कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं ताकि वही मसल्स का उसका इस्तेमाल घर में भी हो तो ये इसके कॉन्स्टेंट कोलैबोरेशन की जरूरत है. जी, जैसे कि आप कंटिन्यूसली यू आर एम्फसाइजिंग कि जो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. हाँ, ये नहीं है कि आपने एक बार उसको इन्वॉल्व करके एडमिशन दे और पहली बार असेसमेंट कर दिया दैट इज द एंड ऑफ, ये नहीं है. बच्चे की इंस्ट्रक्शन में थ्रू आउट ही इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है. और जैसे कि मतलब अगर आपने एक पॉइंट बताया था कि इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स भी होते हैं और हम डिफरेंट डिसेबिलिटीज देखी जैसे ऑटिज्म है या मेंटल रिटार्डेशन है तो उसमें कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स अगर मान लीजिए बच्चा घर की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो बिहेवियर प्रॉब्लम शो कर रहा है और वो प्रोफेशनल के सामने वो शो नहीं कर रहा है तो इसमें प्रोफेशनल को नहीं पता चल पाएगा तो इसीलिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट वहाँ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. बिल्कुल ठीक कहा आपने. अब जैसे ये इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं दे मे बी एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड दे मे इंटरफेयर विद द चाइल्ड्स प्रोग्रेस. मोस्ट चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज रिकग्नाइज that they are behind others of their own age. Some may become frustrated, withdrawn or anxious or act bad to get the attention of other youngsters and adults. Adolescents and young adults with intellectual disabilities may become depressed,
and their depression may be shown by new problems, for instance in their behavior, eating and sleeping. Early diagnosis of psychiatric disorders in children with intellectual disabilities leads to early treatment, and medications can be helpful as one part of overall treatment and management of children with intellectual disabilities. Periodic consultation with the child and psychiatrist may help the family in setting appropriate expectations, limits, opportunities to succeed and other measures which will help their child with intellectual disabilities handle the stress of growing up. अब जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे कि बच्चे को जो इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो बहुत स्ट्रेसेस हैं, वो अगर टीचर पेरेंट्स को पता रहेगा कि उससे क्या एक्सपेक्ट करना है, किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट करना है, तो वो ज़्यादा बच्चे को फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी कि मैंने अपने माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं की या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको पूरा नहीं करा. तो इस तरह से कांस्टेंट कोलैबोरेशन रहेगा तो इमोशनल और जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उन वो भी सॉल्व हो सकती हैं. अब इसमें जो जैसा कि यहाँ लिखा है, पेरेंट्स मे ऑल्सो नीड to advocate to have their child seen in a timely way by most appropriate clinician. Ongoing parental involvement and support are essential to the overall success of treatment. Depending on the nature of your of the child's problems, it may also be important to involve the school community agencies. In addition, it may be helpful to learn how to access other support services so that, you know, there is a building parent skill building program or home based program. Local advocacy groups can also provide valuable information. Although serious emotional problems are common in childhood and adolescence, they are quite treatable also. By advocating for early identification, comprehensive evaluation and appropriate intervention, parents can make sure that the child gets the help they need and reduce the risk of long-term emotional difficulties. Ab, parents jab empower ho jayenge, jab unke paas information hogi, और जब उन्हें अपने राइट्स भी पता होंगे और जब उनको ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि किस तरह से ये सारा काम करना है, दे कैन बिकम एडवोकेट्स फॉर द ओन चाइल्ड. सो जो कि एडवोकेसी का रोल भी पेरेंट्स प्ले कर सकते हैं, उसमें टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर एडवोकेसी का रोल प्ले कर सकते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है. कई सिचुएशंस में लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इनकी डिसेबिलिटी को, उनको स्ट्रेंथ्स का अंदाज़ा नहीं होता. तो पेरेंट्स अगर डिस्प्ले कर सकें, दे शुड बी एबल टू गो एंड यू नो वाउच फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड, नहीं मेरा बच्चा ये कर सकता है, तो पेरेंट्स काफ़ी हद तक एक एडवोकेट का काम भी कर सकते हैं. तो ये भी एक रोल है पेरेंट्स का जो कि वो कर सकते हैं. दैट मीन्स मूव ऑफ द पेरेंट्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विद द पॉजिटिव एटीट्यूड. वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, बेसिकली हाउ दे कैन बी इन्वॉल्व इन एवरी पार्ट. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने जो देखा कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और उसके साथ साथ हम उसका पूरा इवैल्यूएशन करेंगे और उसी के लिए हम एक एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन हम अपने बच्चे को दे सकते हैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड द चाइल्ड इटसेल्फ. सो वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी deaf blindness क्या है. बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है. बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है. वो एक प्रीमैच्योर बच्चा है
जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेलफोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक टू आर डिस्कशन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हम कैसे बरकरार रख सकते हैं और साथ ही साथ हमने कुछ फैक्टर्स देखे कि हम पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हाँ, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि किन किन जगह पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है, अब हम इस स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं, इस स्लाइड में ये इसका जिक्र है कि हमने आइडेंटिफिकेशन एंड स्टिमुलेशन की बात करी, एक्सेसिबिलिटी की बात करी, डायग्नोसिस की बात करी, प्लानिंग आईपी प्लानिंग में है, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान बनाने में उनकी मदद की ली जा सकती है, और एक्सेसिबिलिटी में भी हमने ये बात करी कि एक्सेसिबिलिटी कई तरह की होगी। एक तो फिज़िकल एक्सेसिबिलिटी है, तो उसमें स्कूल का स्ट्रक्चर चेंजेस हैं, उसके अलावा करिकुलम को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए। करिकुलम को एक्सेसिबल बनाने के लिए हमने इस बात का जिक्र करा कि पेरेंट्स जो हैं वो उसमें कंटेंट में किस तरह की मदद कर सकते हैं कि बच्चा
ये समझ सके कि उसको जो एजुकेशन दी जा रही है उसकी बच्चे को अच्छे से समझ आए, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में बदलाव हो सकता है, तो उसके लिए जो टीचर हैं वो अपनी जो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करती है वो पेरेंट को समझा सकती है कि इस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, इसी तरह से आप जब स्कूल जाएँ तो आप इसको जब घर जाएँ तो आप इस तरह से बच्चे को पढ़ाइएगा, तो वही स्ट्रेटजी पेरेंट भी उसको कॉपी करके वही उसी तरह से उसको प्रैक्टिस करा सकता है। अगर स्कूल में बच्चे ने और बच्चों के साथ मिलकर एक सवाल करा है तो अगर पेरेंट को ये समझ आ जाएगा कि कैसे पढ़ाना है तो वो भी वो उसी तरीके से जाके आगे चार सवालों में प्रैक्टिस करा सकते हैं। और किसी भी तरह, मतलब जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि जनरलाइज करने के लिए आगे मदद मिल सकती है, तो कंटेंट को किस तरह से वो एक्सेसिबल बनाए और किस तरह से टीचिंग स्ट्रेटजी के ज़रिए एक्सेसिबल बनाए, ये सब चीज़ें अगर पेरेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा तो बहुत मदद मिलेगी। और अब इसके अलावा जैसा कि इस स्लाइड में लिखा था कि बाकी फैमिलीज़ को सपोर्ट देने में भी मदद कर सकते हैं, हेल्प अदर फैमिलीज़ कोप विद द स्ट्रेस थ्रू पेयर सपोर्ट ग्रुप्स। अब जैसे कि अगर जितने भी डिसेबल्ड बच्चे स्कूल में हैं उनके पेरेंट्स एक सपोर्ट ग्रुप बना सकते हैं, और उस सपोर्ट ग्रुप में जब आपस में शेयरिंग होती है और पेरेंट्स को लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और लोग भी हैं जिनको इस तरह की समस्याएं आती हैं, और जब वो उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और वो ये देखते हैं कि इन समस्याओं का किस तरह से समाधान हो सकता है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको भी रास्ते नज़र आते हैं कि अपनी समस्याओं के को कैसे सुलझाया जाए, किस तरह के समस्याओं को सुलझाने के उनको रास्ते निकलते हैं। तो शेयरिंग से उनका अपना इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पेरेंट्स की, बाकी पेरेंट्स की भी, तो सपोर्ट ग्रुप भी प्रोवाइड बना सकते हैं पेरेंट्स, और उस तरह से टीचर्स के संग कभी कभी मीटिंग करके ये जो उनकी क्वेरीज हैं उनको आंसर किया जा सकता है। तो इसके अलावा ये स्लाइड देखिए, इसमें है कि पेरेंट्स जो हैं दे कैन वर्क एज अ वॉलंटियर, दे कैन हेल्प द चाइल्ड इन होमवर्क, they can help in extending support in various activities even in classroom management, then parental counseling can be a great help, advocacy therapy therapy components of each therapy to be supported at home, in addition they can help in monitoring remedial work in collaboration, supervising peer tutoring, behavior therapy, building self esteem, जेनेटिक काउंसलिंग थ्रू अ डॉक्टर, फाइंडिंग अ सुटेबल कैरियर एंड फाइंडिंग अ सुटेबल पार्टनर। तो इस तरह से देखा कि पेरेंट्स को बहुत तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है, बहुत सारे रोल्स हैं, काफ़ी सारे हम जिक्र कर चुके हैं। अब पेरेंट कभी ये सोचे कि वाई शुड आई गेट इन्वॉल्व, इसमें ये ज़रूरी है कि पेरेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको हम ये अंडरस्टैंड करें कि पेरेंट को ये ना लगे कि मुझे इस्तेमाल करा जा रहा है, तो देर इज़ अ ज़रूरत है। और पेरेंट को अगर बच्चे को ये लगता है कि मेरा पेरेंट स्कूल आ रहा है और हर तरह की मेरी एक्टिविटी में दिलचस्पी ले रहा है, तो बच्चे में एक इंटरेस्ट बनता है और बच्चे को एक मैसेज जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, और उसके अंदर भी एक तरह से एक मोटिवेशन सा आता है, प्रेरणा होती है कि मैं स्कूल को सीरियसली लूँ, पढ़ूँ, और शौक़ से बच्चा पढ़ता है। बहुत सारे स्कूल्स में कई बार फंड्स रेज करने की ज़रूरत पड़ती है, वो हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स को किस किस तरह से एज अ वॉलंटियर हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत स्कूल्स अपने फंड्स रेज करने के लिए कई बार उनको मदद की ज़रूरत होती है, उनके बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, और पेरेंट वॉलंटियर्स जो हैं वो बहुत हेल्प कर सकते हैं, और इस तरह की फ़ंड रेजिंग इवेंट्स में जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और कई तरह की एक्टिविटीज़ स्कूल में फेट हैं उसमें मदद कर सकते हैं फ़ंड रेजिंग एक्टिविटीज़ में। और कई बार ऐसा भी लगता है कि पेरेंट्स
पेरेंट्स को ये लगता है कि मैं बहुत समय खराब कर रहा हूँ, तो उस तरह उसमें पेरेंट्स साल में एक दो बार किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएं या किसी गिफ्ट में या फेट में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं उसमें किसी तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो उसमें भी वो एज अ वॉलंटियर एक तरह से हेल्प हो जाएगा। और पेरेंट्स को नॉर्मली ये फैमिली जो है दे बिकम वेरी क्लोज टू द स्कूल और इट फील्स गुड कि हमने हेल्प करी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बी इट्स द करिकुलम और द को करिकुलर एक्टिविटीज। हाँ जी, तो इसी तरह से बच्चे कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है और कम्युनिटी भी स्ट्रेंथन होती है, फैमिली भी स्ट्रेंथन होती है और पेरेंट वॉलंटियर्स जो हैं दे बिकम अ ह्यूज रिसोर्स। और स्कूल का यहाँ स्लाइड में देखिए जैसा कि लिखा है, पेरेंट वॉलंटियर्स जो हैं दे बिकम दे ऑफर अ ह्यूज रिसोर्स एंड सपोर्ट बेस फॉर द स्कूल कम्युनिटी वाइल शोइंग द किड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द लार्जर कम्युनिटी। Parents can gain a first-hand understanding of the child's daily activities and some insight into the trends and fads of the school life that will help them communicate with the child as he or she grows and changes, all without intruding on child's privacy on personal space. तो इसके लिए जैसा कि अभी हमने स्लाइड में जिक्र करा, बच्चे के बारे में एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इनसाइट्स होती हैं, और सिर्फ पेरेंट को नहीं बच्चे टीचर भी ये देखता है कि घर में कैसा माहौल है, पेरेंट कितना इंटरेस्ट लेता है, तो दोनों तरफ से एक बच्चे के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और वो मिलकर उसमें काम कर सकते हैं। और इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी, राइट अपॉर्चुनिटी ज़रूरत है कि किस तरह से वो आपस में मिलें। सबसे पहले वो ये कोशिश कर सकते हैं कि पहले पेरेंट टीचर जो मीटिंग है उसमें शुरुआत कर सकते हैं और उसमें चॉकआउट कर सकते हैं कि किस तरह के आपस में वो किस तरह से कोलैबोरेट करेंगे, आपस में जो होमवर्क है वो कैसे करेंगे मिलजुल के। अगर सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए हेल्प करें, वो और बच्चों के लिए भी हेल्प कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर। वो जैसे वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और मतलब किसी भी बच्चे के लिए वो एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हैं। जैसे बडी सिस्टम होता है जी, पीयर ट्यूटरिंग होती है, तो सिबलिंग्स भी अगर होते हैं कई बार सेम स्कूल में, तो पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो उसमें काफ़ी उनको मदद मिलेगी कि पीयर ट्यूटरिंग करें कि कहीं आपस में बच्चों की लड़ाई ना हो जाए, कहीं वो पीयर ठीक से हेल्प कर भी पा रहा है या नहीं कर रहा है, मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने बच्चे को, एक तरह से सुपरविजन में हेल्प मिल जाएगी स्कूल को। उनको हमेशा स्कूल में हमेशा एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत रहती है, ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज फिज़िकल रिसोर्स, तो पेरेंट्स की प्रेजेंस से ये बहुत बड़ा उनको हेल्प मिलेगा। इसके अलावा पेरेंट्स बहुत जगह बच्चे की लाइफ में बहुत ट्रांजिशन स्टेजेस आती हैं, जैसे कि जब स्कूल में बच्चा आता है, शुरू में प्री स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, तो ट्रांजिशन होती है हर स्टेज में, होम टू स्कूल ट्रांजिशन है या फिर प्राइमरी स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल है, दूसरे स्कूल जाता है, एजेस क्रॉसिंग और जो चाइल्ड डिफरेंट लेवल्स को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता है। बिल्कुल, तो ऐसे हर स्टेज पे बच्चे को एक अलग तरह की डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं स्कूल में, तो पेरेंट्स इस ऐसी स्टेजेस में भी बहुत फैसिलिटेट कर सकते हैं जी, बच्चे के जो फियर्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे कि बच्चा अगर शुरू में पेरेंट्स जब पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है तो उनको ये उसको ये लगता है जैसे कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, शुरू में बच्चा कभी भी सोता है, कभी भी उठता है, कभी भी खाता है, तो जब एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में जाता है तो उसको वो आदत नहीं पड़ती है, तो उसके अंदर जो डर होते हैं वो हटा सकते हैं पेरेंट्स, और उसके लिए पहले से ओरिएंट कर सकते हैं कि आप स्कूल जाएंगे और इस तरह सा उस वहाँ पर ऐसा होगा, हर उसको स्कूल को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में वो लेकर आएं, ये नहीं है कि अच्छा तू स्कूल जाएगा और तेरे टीचर से मैं शिकायत करूंगी, वो चीज़ नेगेटिव कंपोनेंट्स नहीं आने मतलब चाहिए। मतलब बच्चे को एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उस प्रॉपर एनवायरनमेंट में डालने के लिए मोल्ड करना इन अ पॉजिटिव इन अ काम वे जी,
और इसी तरह से उसको ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करने के लिए जब पेरेंट है वो शुरू में स्कूल में विजिट कर सकते हैं, देख लें, और बच्चा भी एक बार सराउंडिंग देख ले और एक्सप्लोर करें कि कहाँ कैसे क्या होता है, और उस सिर्फ एक बार दिखाना ही नहीं, लाकर फिर पेरेंट उस एनवायरनमेंट को स्कूल में लाने की कोशिश, घर में वही लाने की कोशिश करता है, जैसे कि थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग कर दें कि अब टाइम इसका हो गया, अब इसका टाइम हो गया, अब इसका टाइम हो गया, तो थोड़ा सा बच्चा यूज्ड हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे को जो मटेरियल स्कूल में कराया जाता है वो अगर घर में देख लेता है क्रेयॉन्स हैं थोड़ा किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो पेरेंट्स इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि बच्चे का ट्रांजिशन जो है एक जगह से दूसरी जगह आसान हो जाए। और बच्चे के अंदर बहुत सारे फियर्स होते हैं, एंजाइटी होती है कि मैं नई जगह जा रहा हूँ, और पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चा क्या टीचर वो सपोर्ट दे पाएगी या नहीं, क्या दे बच्चा एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये एंजाइटी बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो। और इसके लिए टीचर्स से आपस में बातचीत करना कि वो कैसे हैंडल करती हैं, तो ये सब चीज़ें आपस में जो इंटरेक्शन रहता है उससे पेरेंट्स को बहुत मदद मिल सकती है। जैसा कि इस स्लाइड में है कि बच्चे के जो फियर्स हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं। द पेरेंट्स कैन बी एडवाइज टू स्पेंड मोर टाइम टॉकिंग विद द चाइल्ड अबाउट स्कूल इवन बिफोर इट स्टार्ट्स, बिफोर द फर्स्ट डे ग्रेजुअली दे मे इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू एक्टिविटीज़ that often take place in a classroom. A child accustomed to schooling, scribbling with paper and crayons at home, for example, will find it easier to discover the same crayons and paper in the school setting also. Visiting the child's first preschool classroom by parents a few times before school starts can also ease the entrance into unfamiliar territory. This offers the opportunity to not only meet the teacher and ask about routines and common activities, but to then introduce some of those routines and activities to the child at home while the parent is in the classroom. Let the child explore and observe the class in his or her own way. The idea is to familiarize the child. तो जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि बच्चे के स्कूल में जाके पेरेंट इस तरह के चेंजेस ला सकता है, पर साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज ना करें चेंज के ऊपर, ताकि बच्चे की एंजाइटी जो है वो मतलब जो पेरेंट्स की एंजाइटी है वो बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो। जी, अब हम ये देखें, जैसे हम बाकी नॉर्मल जो चिल्ड्रन हैं उनकी अगर बात करें तो दे कैन डू इमिटेटिव लर्निंग एंड इंसिडेंटल लर्निंग, लेकिन जो हमारे स्पेशल चाइल्ड हैं, जो डिसेबल चाइल्ड हैं, उनको हमें सिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और अगर हम उनको प्रॉपर टाइम पे और अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में हम उनको नहीं सिखाएंगे तो दे नॉट एबल टू लर्न इट एक्यूरेटली। बहुत अच्छा। इसी तरह से ये इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो और स्टेजेस में भी ट्रांजिशन होती है, जैसे स्कूल बिल्डिंग है उसमें स्कूल का काफ़ी रोल है कि वो स्कूल में ले जाते हैं अलग अलग। अगर पेरेंट्स भी जाके देखें कि क्या क्या चेंजेस हैं इस नई बिल्डिंग में, क्योंकि हो सकता है पुराना स्कूल बड़ा रिसेप्टिव था, दूसरा पता नहीं है या नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो किस तरह के चेंजेस हैं और कहाँ वो सजेस्ट भी कर सकते हैं पेरेंट्स। कई बार छोटी मोटी जिसमें ज़्यादा खर्चा ना हो, पेरेंट्स स्कूल को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह के चेंजेस बच्चे में अगर स्कूल के जैसे पाथवेज हैं, सिग्नल्स हैं, इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। स्कूल में जाके टीचर को उसकी नई प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि मेरे बच्चे के संग इस तरह से होता रहा है, ऐसे ऐसे टीचर पहले करती थी और इस तरह से बच्चा ज़्यादा सीखता है। जी। तो इस तरह के इंटरेक्शन से दोनों, क्योंकि बाय नाउ बाय द सेकेंडरी स्कूल द पेरेंट्स आर वेरी मच एम्पावर्ड, क्योंकि वो एक स्कूल में पहले बहुत इंटरेक्शन कर चुके हैं, तो वो जाके उसको ये बता भी सकते हैं कि इस तरह की स्ट्रैटेजी ज़्यादा वर्क करती थी बच्चे के साथ। और पेरेंट्स भी नई स्ट्रैटेजीज हो सकता है स्कूल, क्योंकि हायर लेवल पे हैं तो वो बताएं, तो वो नए उनको भी सीखने की ज़रूरत है कि अब जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो मैं कैसे पढ़ाऊँगी।
और हो सकता है पेरेंट्स इस लेवल पर ना हो कि वो आगे हायर लेवल पे पढ़ा सकें, पर एटलीस्ट वो स्ट्रैटेजीज तरीके बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं घर में कि वो कैसे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। जरूरी नहीं किस स्ट्रैटेजी से उसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। बिल्कुल, तो किस जरूरी नहीं है कि बच्चे को हर वक्त बोलते रहें टोकते रहें, पर एटलीस्ट वो वॉच कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ट्यूटर भी अगर घर में रखते हैं तो उसको भी वो गाइड कर सकते हैं कि इस तरह से पढ़ाते हैं स्कूल में, तो वो एक एक स्टेप पे मॉनिटरिंग और सुपरविजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पेरेंट्स को क्योंकि काफ़ी होमवर्क में भी पेरेंट्स कई बार मदद कर सकते हैं, जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते रहते हैं तो पेरेंट्स होमवर्क में किस तरह से मदद कर सकते हैं, लेट्स सी द स्लाइड। द पेरेंट need to reinforce and extend classroom learning and help them practice important study skills. By doing homework, kids learn to read and follow directions independently, manage and budget time for long-term assignments like book reports, complete work neatly and to the best of their ability. It also helps them develop a sense of responsibility, pride in a job well done, and a work ethic that will benefit them well beyond the classroom. Parents can give lots of help in homework primarily by making homework a priority and helping them develop good study habits. अब बच्चे किस तरह से करेंगे, the kitchen or the dining room table is a popular workspace for younger children. They may feel more comfortable being near parents and parents can provide encouragement and assistance. Older kids might prefer to do it independently, but parents can check in periodically and review the homework when it's complete. Wherever kids do homework, it's important to make sure this workspace is well lit, comfortable, has pens, lot of material, pencils, papers, stapler, calculator, ruler, etc., and dictionary. It's quiet and free from distractions like TV, video games, phone calls, or other family members. If there is a computer for schoolwork, see that there are checks, controls, कई तरह के exercise करने पड़ सकते हैं आजकल, खासकर कि बच्चा net में किस तरह की चीज़ें देख रहा है, अब emails हैं, किस तरह के emails आ रही हैं, किस तरह के friends हैं, कहीं किस तरह की संगत में हैं, तो ये सब चीज़ें parents को कई बार control करने की check करने की ज़रूरत पड़ती है। तो parents का हमेशा एक supervision रहता है, monitoring रहती है कि parents, तो अगर टीचर्स के संग हमेशा कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो वो उनको पता रहेगा कि क्या एक्टिविटी स्कूल में हो रही है, किस तरह की बच्चे को सर्फिंग करनी है, किस घर में जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो कैसे कंड्यूसिव बनाया जाए, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। टीवी में कई बार टीवी को एड की तरह यूज़ भी किया जा सकता है, तो अगर पेरेंट्स को पता रहेगा तो वो बच्चे को ये नहीं है कि टीवी के नाम पे ही चिढ़ जाएं और गुस्सा करें और डांटें, तो एटलीस्ट वो एनकरेज कर सकते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि टीवी पे वो बच्चा देख सकता है और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि उसको नहीं देखने हैं। तो अगर पेरेंट्स का कॉन्स्टेंट इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मैम, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स विद द प्रोफेशनल एंड द चाइल्ड, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि स्कूल सिस्टम की टीचर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं और पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स पूछते हैं स्कूल टीचर से या किसी प्रोफेशनल से कि उनके बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग या उसके स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग हम किस तरह के स्कूल सिस्टम में बच्चे को डाल सकते हैं, और अगर मान लीजिए वो एक क्लासरूम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अलग अलग बच्चे होते हैं, सबका लेवल अलग होगा, तो उनका बच्चा उन बाकी और स्टूडेंट्स के साथ कैसे कोप करेगा, तो उसमें हम पेरेंट्स को कैसे काउंसिल कर सकते हैं। पेरेंट्स कई तरह से उसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग के बाद मैं अभी जिक्र करती हूँ, पहले होमवर्क का बता दूँ क्योंकि उसमें फिर स्टेजेस होंगी और काफ़ी होमवर्क में ये जैसा कि इस स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ, पेरेंट का एक बड़ा सपोर्टिंग रोल होता है। व्हेन इट कम्स टू होमवर्क, बी देयर टू ऑफर सपोर्ट एंड गाइडेंस, आंसर क्वेश्चंस, हेल्प इंटरप्रेट असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड रिव्यू द कंप्लीटेड वर्क, बट रेजिस्ट द अर्ज टू प्रोवाइड द राइट आंसर्स और कंप्लीट असाइनमेंट्स। ये पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस हैं जो कि टीचर्स बता सकते हैं कि आप जब होमवर्क कराएं तो वहाँ पर रहें, मदद करें, पर होमवर्क करके ना दें।
कई बहुत बार होता है कि प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, खासकर पेरेंट्स करके दे देते हैं या मार्केट से करा के दे देते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा टीचर उनको खासकर टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इवैल्यूएट कैसे कर रहे हैं. अगर इवैल्यूएशन कंप्लीटेड प्रोडक्ट पे होगा तो शायद पेरेंट्स उसको बनवा के दे देंगे, प्रोसेस पे होगा तो वो भी मतलब उसकी अहमियत को समझें कि ये किस लिए प्रोजेक्ट कराया जा रहा है जी, तो उसमें प्रोसेस में बच्चे इन्वॉल्व हों. इसके ये इस स्लाइड में जैसे कि टिप्स हैं कि कुछ पेरेंट्स के लिए कि किस तरह से होमवर्क को आसान बना सकते हैं वो. द पेरेंट्स कैन फोकस ऑन हेल्पिंग किड्स डिवेलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड ऑफर एनकरेजमेंट टू डिवेलप कॉन्फिडेंस एंड अ लव ऑफ लर्निंग फॉर डूइंग इट देमसेल्व्स. अदर टिप्स आर एस्टैब्लिश अ रूटीन, स्ट्रेटजाइज फॉर होमवर्क सेशंस, इंस्टिल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, अप्लाई स्कूल टू रियल वर्ल्ड होमवर्क प्रॉब्लम्स, बी देयर, बी इन टच विद टीचर्स, इंश्योर स्टडी स्किल्स, एनकरेज किड्स टू रीच आउट, नीड नॉट वेट फॉर रिपोर्ट कार्ड्स टू फाइंड प्रॉब्लम्स एट स्कूल, कॉन्टैक्ट टीचर फॉर डिफिकल्टीज. अब इसमें पेरेंट्स को ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक रूटीन एस्टैब्लिश करें, और रूटीन एस्टैब्लिश करने में पेरेंट्स का ही रोल होता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो पेरेंट्स ही घर पे प्रोवाइड कर सकते हैं. बच्चा सुबह उठेगा, टाइम टेबल बनवा सकते हैं घर में. तो अगर होमवर्क को देखते हुए वो ये देखें कि किस सब्जेक्ट का होमवर्क मिला है, किस तरह से उसको प्लानिंग करनी है अपने दिन की, टाइम टेबल में वो फिट इन होता है, कैसे फिट इन होता है, और ये सारा स्ट्रक्चरिंग है वो पेरेंट्स करने में पेरेंट्स ये मदद कर सकते हैं. और स्ट्रैटेजीज कैसी यूज़ होनी चाहिए होमवर्क सेशंस को कंप्लीट करने में, और किस तरह से वो ऑर्गेनाइज करे, कैलेंडर हो, कैलेंडर में वो अपने आप को, अपने काम को किस तरह से रिलेट करता है, जो रियल वर्ल्ड है वो स्कूल से वो रिलेट करने में मदद कर सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो हमेशा खुद करें, पर यू नो द प्रेजेंस ऑफ अ पेरेंट इज लॉट सेटिस्फाइंग. और अगर होमवर्क कराना है पेरेंट्स कई बार बच्चे का खाने का मन है तो पेरेंट है तो चलो ये चीज़ बना देते हैं, वो बच्चे के लिए बड़ा इमोशनल सपोर्ट हो जाता है कि हमेशा हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम वहीं बैठे हर वक्त, पर दे शुड बी अवेलेबल कि बच्चे को अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है किसी भी तरह की तो वो सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं जी. तो इसके अलावा बच्चे को, बच्चे की स्टडी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं वो, कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, उसको नोट टेकिंग की हैबिट है या नहीं है. जैसे कि बच्चे कई बार भूल जाते हैं क्या कराना है, तो शॉर्ट पॉइंट्स में वो बच्चा पॉइंट्स बना रहा है या नहीं बना रहा है जो, और डिपेंडिंग ऑन हिज कॉम्प्रिहेंशन कि क्या कौन सा ऐसा प्रोसेस है या कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे वो इजीली फॉलो कर सकते हैं. हाँ, तो उसे बच्चे के अगर शॉर्ट पॉइंट्स होंगे तो वो बाद में उनको इलैबोरेट कर सकता है, एग्जाम में वो किस तरह से आंसर करेगा, इन सब चीज़ों में पेरेंट्स काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड में लिख कर आए कि बच्चे का बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है या कोई शिकायत आए टीचर की. पेरेंट को भी ये चाहिए कि जाकर टीचर से मिले, और टीचर को पॉजिटिव और रिसेप्टिव होना चाहिए जब भी पेरेंट आए तो उससे मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. और किसी भी मतलब पेरेंट को ये शिकायत नहीं हो कि टीचर के पास टाइम नहीं होता है और हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं जी. मैम, जैसे कि आपने कुछ टिप्स बताई कि पेरेंट्स को किस तरीके से इजी हो सकता है डिफरेंट स्किल्स डेवलप करने के लिए अपने बच्चे में, कि लाइक स्टडी स्किल्स और सपोर्ट देने के लिए पेरेंट्स को रहना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को उनके साथ फिजिकली प्रेजेंट होना, इन स्पाइट ऑफ दैट कि इमोशनली उनको सपोर्ट करें, बच्चे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, ये सब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ज़रूरी हैं. बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे. दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं,
शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास ग्लास वेरी कप को टच करो जल्दी से। वेरी गुड। कप में क्या करता है गणेश? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह बाउल, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़े और अपनी मंजिल को पा ले। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। Welcome back to our discussion. We are talking about the important aspects of the parental counseling in today's discussion with our expert. So we will continue that with the expert. जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पेरेंटल जो पेरेंट्स हैं वो होमवर्क में और किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। एक तो बच्चे की फाउंडेशन ले करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मली इट्स इन लेइंग द फाउंडेशन एंड दे शुड नो व्हेन टू स्टेप इन एंड दे कैन बी गुड एग्जांपल बाय शोइंग ओन लव ऑफ लर्निंग। अगर फाउंडेशन ले करनी है
तो उसके लिए बच्चे के को बहुत माइन्यूटली वो ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें कि कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टी आती है बच्चे की, किस तरह से बच्चा बिहेव करता है, किसी पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई तरह का काम है जिसमें बच्चे का ध्यान ज़्यादा हटता है, किस तरह के काम बच्चा ज़्यादा शौक से करता है, तो बच्चे को उसी ज़रिए से वो पढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ पेरेंट्स ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा किस मोड के ज़रिए ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, ज़्यादा अच्छा। कई बच्चे ऐसे हैं कि म्यूज़िक सुन के ज़्यादा अच्छे से करते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि डिस्टर्ब होते हैं म्यूज़िक चलता है, तो ये पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो फाउंडेशन ले करते हैं तो वो हर उनका लर्निंग स्टाइल बच्चे का देख सकते हैं, लर्निंग स्टाइल को बच्चे के कंटेंट से मैच कर सकते हैं, और किस तरह से बच्चा पढ़ेगा, और उसको प्रैक्टिस बहुत करा सकते हैं। जनरलाइज करने में पेरेंट्स बहुत सारी प्रैक्टिस दे सकते हैं, और बच्चे को लगे कि मैं गेम्स कर रहा हूँ या खेल रहा हूँ या और मैं कोई बाहर का काम कर रहा हूँ, जो कि कई बार बच्चे बाहर जाना पसंद करते हैं, तो एक उसी में वो वीव इन कर सकते हैं उस कंटेंट को और अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं, तो बच्चे की फाउंडेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब गिविंग एडजस्टमेंट्स एंड अडैप्टेशन एज पर द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स। हाँ, और उसी तरह से ट्रांजेक्ट भी करना और उसी को प्रैक्टिस कराना, रीइंफोर्स कराना। जैसे कि हमने एक बार जिक्र किया था कि शॉप खोल दी और उसमें उसी तरह की एक्सरसाइजेज बच्चे के लिए बनाना या गेम्स इस तरह के बना दे, क्योंकि वो बच्चे के लिए एक इंटरेस्टिंग प्लेवे मेथड भी हो गया और उसमें हम बच्चे को कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं। फ्लैश कार्ड्स के जरिए एक चीज को कई तरीके से करा सकते हैं, तो बच्चे की फाउंडेशन बहुत मजबूत हो सकती है। और पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कब वो दखल अंदाजी करें कि बच्चा इरिटेट ना हो जाए, बच्चा चिढ़ ना जाए कि हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं और मेरी हर चीज़ में दखल रहते हैं। और इसलिए पेरेंट्स बहुत टैक्टफुली उसको हैंडल करें, और हर वक्त पेरेंट्स पढ़ाई के लिए बिना बोलते हुए भी पढ़ा देते हैं कई बार, और उनको बच्चे को ये लगता है कि मैं गेम्स कर रहा हूँ, पर एक्चुअली पेरेंट्स का गोल होता है कि ये हमें पढ़ाना है। तो कब वो किस तरह से इंटरवीन करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। कई बार बजाय कहने के ये भी पूछ सकते हैं कि आपने ये इतना कर लिया क्या, इतना हो गया, कहाँ तक हो गया देखें, तो थोड़ा सा बीच में एक दो मिनट में आके इन्वॉल्व होके फिर चले जाएं, तो बच्चे को ये लगेगा कि माय पेरेंट्स आर विद मी, माय मदर इज़ विद मी, माय फादर इज़ विद मी व्हेन आई एम स्टडिंग। तो बच्चा कई बार बोर भी नहीं होता, उसका ध्यान लग जाता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और जहाँ पेरेंट को लगे कि वो बीच में उठ रहा है, हिल रहा है, तो वो दोबारा से उसका ध्यान उस तरफ ला सकते हैं, कोई नई चीज़, नई एक्टिविटी के ज़रिए या नए एग्जाम्पल के ज़रिए, या खुद बीच में पढ़ा के, या कोई डिफ़िकल्टी बीच में कोई स्टेप है, जैसे 5-6 स्टेप्स हैं एक सवाल में, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेप को सॉल्व करके, तो इस तरह से बच्चे को कब स्टेप इन करना है ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जब बच्चा पढ़ रहा है तो ये नहीं कि पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं या मूवी देखने गए हुए हैं, तो बच्चे को खुद एक एग्जाम्पल शो करना है कि मॉडल एग्जाम्पल, दे हैव टू लिव इट देमसेल्व्स। और जो पेरेंट्स बच्चे को असिस्टेंस प्रोवाइड करें, इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे, ऐसा ना हो कि ओवर असिस्टेंस हो बच्चे के लिए, और ऐसा भी ना हो कि बच्चे को हम कम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी मच अप्रोप्रिएट, ताकि बच्चा जो है डिपेंडेंट ना हो जाए ज़्यादा पेरेंट्स पे। तो पेरेंट्स को ये मतलब स्कूल को ये भी समझना चाहिए कि जब वो पेरेंट्स की हेल्प अगर चाह रहे हैं तो पेरेंट्स की क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। हमने एक बार शुरू में जिक्र करा था कि किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं पेरेंट्स की, और किस तरह से वो पेरेंट्स उन डिफ़िकल्टीज़ को तो मतलब जैसे आपने बताया जी पेरेंट्स की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, विद देयर इन्वॉल्वमेंट, सिंसियर इन्वॉल्वमेंट इन द करेक्ट डायरेक्शन, एक्यूरेट डायरेक्शन, और राइट टाइम पे हम कैसे प्रॉपर उनको इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं, ये हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया। और मैम आपने ये भी बताया कि किस तरह से हम टिप्स दे सकते हैं दैट कैन मेक द वर्क ईजियर फॉर देम। और इसके अलावा ये हमें पेरेंट्स, ये टीचर्स, प्रोफेशनल्स, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि जब पेरेंट्स
you know, when they have the child for the first, you know, when they are planning to have a child, जी. they normally think कि जब बच्चा होगा तो ऐसा होगा और ऐसा होगा ऐसा होगा, बच्चा बहुत होशियार होगा और बच्चा बहुत आगे नाम रोशन करेगा. Over expectations. हाँ, बहुत इमेजिन करते हैं, कोई भी बुरा कुछ नहीं सोचता, हमेशा अच्छा ही सोचते हैं और आगे बच्चा बड़ा होके हमारी ये मदद करेगा, हम ऐसे करेंगे, बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे और इंजीनियर बनाएंगे और जब बच्चा इस बढ़ जाएगा तो बाहर भेजेंगे, और इस तरह के एक ड्रीम्स होते हैं पेरेंट्स के. और जब उनको पता लगता है पहली बार कि बच्चा जो वो सोच रहे थे वैसा नहीं है, तो बहुत धक्का लगता है. जी, दे गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ग्रीफ बिकॉज इट इज़ यू नो जस्ट द वे as if death has happened, because it is death of a wish. कि जो wish थी उनकी, उसकी death हुई है, तो वो बिल्कुल उसी तरह से grieving process से गुजरते हैं जैसे कि घर में किसी की death होती है. तो it is not the death of the child, but the death of a wish to have a normal child. जी, तो वो उस प्रोसेस से गुजरते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. दे गो थ्रू अ प्रोसेस, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, सीक्वेंस ऑफ वेरियस प्रोसेसेस व्हिच रिएक्शंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि जो उनका उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो उनका पूरा फुलफिल नहीं हुआ है. हाँ, तो टीचर्स एंड द प्रोफेशनल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. द फर्स्ट थिंग, जैसे कि घर में कुछ भी अनप्लेजेंट होता है तो फर्स्ट थिंग इज डिनायल, नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये एक शॉक लगता है. और इस तरह के ये स्लाइड में देखिएगा जैसे कि पेरेंट्स के रिएक्शंस हैं जो कि इट इज बिकॉज ऑफ सम ग्रीफ दैट हैज हैपेंड. सम स्टेजेस ऑफ ग्रीफ दैट यू माइट एक्सपीरियंस, दैट द पेरेंट्स माइट एक्सपीरियंस आर डिनायल. दे थिंक दैट आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग टू मी. Then they go through anxiety. How can I possibly handle this? Then there is a fear. What will happen to my child and my family? Then there is a guilt. What did I do to cause this? Then there is a depression. My hopes and dreams seem to be lost forever. Anger. This isn't fair. Then acceptance comes. I don't like what has happened. I don't understand why it happened. I don't know how I am going to handle this. So the final thing is acceptance. So whenever we professionals are dealing with children with special needs, we have to see that the parents accept the disability. We have to accept the disability, the disabled child has to accept the disability, and the parents have to accept the disability. तो इसकी वजह से उनके अंदर क्या रिएक्शंस हैं, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था, एक डिनायल होता है, पेरेंट्स शॉक होता है, और नॉर्मली हम उस शॉक से बाहर नहीं निकल पाते हैं और इंडल्ज करते जाते हैं बहुत ज़्यादा उसी में. और इसको निकलने में मदद कर सकते हैं प्रोफेशनल्स या टीचर्स जी पेरेंट्स को, ताकि यू नो दे गेट आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिनायल. जब डिनायल ख़त्म होता है तो पेरेंट्स काफ़ी कोशिश करते हैं कि दूसरे प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, एक नहीं दूसरे के पास, तीसरे के पास, और इवेलुएट करा के फिर वो कोशिश करते हैं कि कोई स्ट्रेटजी निकल कर आए. और पेरेंट्स में भी देर आर वेरिएशंस इन देयर बिहेवियर, एंड यू नो इनिशियली वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि डिसेबिलिटी है, तो वो स्कूल के संग कोऑपरेट नहीं करते हैं. अगर स्कूल कहता है कि आपके बच्चे में डिसेबिलिटी है और बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, मेरे को ये टीचर अच्छी नहीं है, ये स्कूल अच्छा नहीं है. तो हो सकता है वो स्कूल या टीचर बदलने की कोशिश करें. शुरू में दो तीन बार जब लगता है कि सारे लोग बोल रहे हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे वो यू नो जब काफ़ी टाइम भी गुजर जाता है, उस प्रोसेस से बाहर आते हैं. फिर एंग्जाइटी भी होती है कि मैं ये हैंडल कैसे करूँगा. एंग्जाइटी है, हाउ कैन आई पॉसिबली हैंडल दिस. अब उसमें स्कूल का बहुत बड़ा रोल है कि वो उसमें उनकी मदद करें, उनको बताएं कि कहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल में क्या सपोर्ट है,
और स्कूल उनको किस तरह का सपोर्ट दे सकता है, स्टेट में कौन सा सपोर्ट है और किस तरह की लॉज सपोर्ट है, उनको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर जाना है, उनको कौन से थेरेपिस्ट के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट अगर सरकारी या गैर सरकारी कौन से अवेलेबल हैं जहाँ वो जा सकते हैं, उनके घर के पास अफोर्डेबल है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें स्कूल उनकी मदद कर सकता है कि हैंडल, ताकि पेरेंट्स उसको हैंडल कर सकें। और उसके अलावा जब पेरेंट्स को ये लगता है कि डर है कि मेरे बच्चे को और मेरे को क्या होगा, अब ना अक्सर एक सामान्य फैमिली में पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वो हमारी सपोर्ट बनेगा, तो अब जब देखते हैं कि बच्चा सपोर्ट बनना तो दूर रहा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो बच्चे का सपोर्ट कौन होगा, अब वो ध्यान बच्चे पर चला जाता है कि बच्चे का सपोर्ट कौन होगा, हमारा सपोर्ट कौन होगा, तो ये एक डर है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें स्कूल मदद कर सकता है इन्फॉर्मेशन देके कि सपोर्ट के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे ट्रस्ट्स हैं और जो कि मदद कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है और किस तरह के बच्चे को रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, सक्सेस स्टोरीज बताई जा सकती हैं कि बच्चे को अगर कुछ बनना है तो देर हैव बीन केसेस इन अमंग्स लर्निंग डिसेबल्ड हु हैव बीन एबल टू अचीव अ करियर, हु हैव बीन एबल टू फॉर्म अ करियर, देर हैव बीन केसेस अमंग्स विजुअली इम्पेयर्ड वेयर दे हैव बीन देर एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुल पीपल हु हैव बीन एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी टू अ लार्ज एक्सटेंट. Likewise, there are people who are hearing impaired and who have hearing impairments and have been, have led their lives very successfully. Mm-hmm. And इस तरह के अगर success stories school बता सकता है cerebral palsy to motivate and boosting the confidence. Cerebral palsy बच्चे हैं, वो भी school में board में exam देते हैं और आगे उनका भी एक अच्छा करियर बनता है, दे कैन लीड देयर लाइव्स ऑन देयर ओन. तो इस तरह की जब वो देखते हैं पेरेंट्स तो वो इस डर से बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर उनके अंदर एक गिल्ट फीलिंग जो आती है कि क्या, और कई बार गिल्ट में ये आता है कि एक तो अपना गिल्ट पेरेंट्स कई बार आपस में एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी फैमिली में ऐसा है या मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है, और कई बार अपने ऊपर ही गिल्ट होता है कि मैंने ऐसा क्या करा था पिछले जन्म में, शायद कुछ पाप करे होंगे क्योंकि ये मेरे संग हुआ और इससे मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ. इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो अक्सर आती हैं, तो इसमें भी प्रोफेशनल्स काफ़ी मदद कर सकते हैं कि इट इज़ यू नो लाइक दे कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस, you know how it is a sheer chance that it can happen to anybody and it has to happen to somebody and there are ways of coming out of it and they should get out of this process of blaming each other also. Guilt kai bar induce bhi ho jati hai, jo dominating partner hai wo bar bar dusre ko bolta hai to kai bar they come to believe it ki ha aisa hi hua hoga, shayad mujh mein hi koi kami hai aisi. गिल्ट के बाद एक डिप्रेशन होता है कि मैं यू नो लाइक यू फील वेरी डिसहार्टन्ड डिप्रेस्ड एंड कि मेरे साथ ये हुआ और कुछ भी अब आगे नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, आगे क्या करना है. अब से बहुत सारे जो डिसेबिलिटीज़ हैं कई बार वो क्योरेबल नहीं होती हैं और कई बार ये डिसाइडेड होता है कि जैसे कि बच्चे मायोपिक डिस्ट्रॉफी है, जैसा कि बच्चा 20 साल 22 25 साल तक जिएगा, तो पेरेंट्स को इट्स वेरी पेनफुल फॉर द पेरेंट्स टू नो दैट द चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू लिव. इट इज़ पेनफुल इवन फॉर द चाइल्ड टू रियलाइज दैट ही विल नॉट यू नो ही कैन नॉट थिंक ऑफ अ करियर बिकॉज द करियर बिगिन्स एट दैट एज एंड ही कांट थिंक ऑफ इट. टू मोटिवेट अ चाइल्ड टू लिव जी, टू मोटिवेट द पेरेंट्स to contribute to the education of that child emotionally and otherwise is very difficult, and parents and the you know professionals have a great role in convincing the parents ki jitne time hai utne time wo achhi zindagi jee sake,
क्वालिटी ऑफ द लाइफ सो लॉन्ग एज इज अलाइव, सो लॉन्ग एज इज लिविंग शुड बी वेरी गुड. सो पेरेंट्स का इसमें किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इन्वॉल्वमेंट जब तक कि कॉन्स्टेंट ऑनगोइंग इन्वॉल्वमेंट होगा, कोलैबोरेशन होगा, तो उसमें काफ़ी पेरेंट्स को हेल्प मिल सकती है. और फिर डिप्रेशन के बाद गुस्सा आता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. और कई बार वो टीचर्स पे भी गुस्सा निकाल देते हैं कि आपने ठीक से पढ़ाना नहीं आता, आप ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, ठीक से करते नहीं हैं. बच्चे के ऊपर भी गुस्सा निकल सकता है और सिबलिंग्स के ऊपर गुस्सा निकल सकता है. तो इस तरह से बहुत गुस्सा भी आता है. और फाइनली जब लास्ट स्टेज होती है एक्सेप्टेंस की जी, कि मानते हुए कि अच्छा नहीं हुआ, जानते हुए कि ये सब बहुत उनको लगता है कि अच्छा नहीं है, पर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अल्टीमेटली एंड दे स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद द प्रोफेशनल्स इन वॉट एवर एक्टिविटीज़ दे सजेस्ट. शुरू में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि जो द प्रोफेशनल्स शुड अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स विल हैव टू गो थ्रू दीज स्टेजेस when they work with children with special needs, and it's only when they have the process of grief is over, Jee. they'll be able to accept the child, and then only the proper contribution, proper cooperation and collaboration will come. Otherwise there'll be lots of accusations initially, and professionals can facilitate this process of acceptance of disability on the part of the parents. ye jo acceptance ka process hai ye kai baar kai saal bhi lag jate hain. और अब जैसे एक टीचर ने ये कहा कि मैंने पेरेंट को कहा कि आप बहुत मुश्किल है आपके लिए, बहुत ये बुरा हुआ है, तो कई बार ये रिएक्शन होगा और वो बहुत एक्सप्लोसिवली तुम्हें क्या मतलब, और इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं. तो ये पेरेंट्स के संग रैपो एस्टैब्लिश होनी चाहिए. प्रोफेशनल्स को ये देखना चाहिए जब वो ये बात करें या सजेस्ट करें कि शायद बच्चे में ये डिसेबिलिटी है, दे हैव टू हैव अ रैपो विद द पेरेंट्स. दे हैव टू हैंडल ऑल दीज रिएक्शंस. द काउंसलिंग द पार्ट व्हिच वी आर डिस्कसिंग टुडे इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. या एंड दे नीड टू रेफर द पर्सन टू द काउंसलर. अगर टीचर को ये लगता है कि मैं नहीं हैंडल कर सकता या पेरेंट इस तरह से रिएक्ट करेगा, तो वो उसको चाहिए कि वो रेफर कर दे स्कूल काउंसलर की तरफ, कि वो डिस्क्लोज करें कि ये शायद प्रॉब्लम है और किस तरह से हैंडल की जा सकती है. और अगर पेरेंट्स को ये लगेगा कि टीचर्स आर रियली कंसर्न्ड एंड द टीचर इज़ रियली यू नो एग्रीव्ड बाय माय प्रॉब्लम, द पेरेंट विल डेफिनेटली लाइक टू इंटरैक्ट एंड कोलैबोरेट. जी मैम, जैसे कि जो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, जैसे आपने उसमें बताया कि किस तरीके से जो रिएक्शंस होते हैं पेरेंट्स के डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करते हुए फाइनली एक्सेप्टेंस होती है फॉर देयर चाइल्ड कि यस मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है बट आई हैव टू एक्सेप्ट दिस. सो जैसे कि आज का जो डिस्कशन था इट वॉज रिगार्डिंग द पेरेंटल काउंसलिंग, तो आप हमारे व्यूअर्स को फाइनली क्या बताना चाहेंगे? मैंने जैसा कि थ्रू आउट ये कहा कि पेरेंट्स को कहाँ कहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं. पेरेंट्स को हर स्टेज पे हमें इन्वॉल्व करना चाहिए. डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में होना चाहिए. उनको एक्सेसिबिलिटी है, उनको आइडेंटिफिकेशन में, डायग्नोसिस में, प्रोग्राम प्लानिंग में, और उनको इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में एज अ वॉलंटियर वाइल डूइंग होमवर्क, एक्सटेंडिंग सपोर्ट करने में. क्लासरूम मैनेजमेंट में कई बार होता है कि पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से बच्चा उन क्लास में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएगा. तो इस तरह से एडवोकेसी रोल प्ले कर सकते हैं. थेरेपीज में पेरेंट्स अपना इनपुट दे सकते हैं, और अगर पीयर ट्यूटरिंग है उसको सुपरवाइज कर सकते हैं. मॉनिटरिंग रेमिडियल वर्क जो स्कूल में कराया जा रहा है उसमें रेमिडियल वर्क में मॉनिटरिंग कर सकते हैं. सेल्फ एस्टीम बच्चे की बिल्डअप करने में हेल्प कर सकते हैं. और अगर काउंसलिंग है, या बच्चे कई बार जब 11th 12th में आते हैं तो उसमें करियर भी प्लान उनको करना पड़ता है, तो
पेरेंट्स ये फीडबैक दे सकते हैं काउंसलर को कि किस तरह के एप्टीट्यूड है बच्चे का, किस तरह का इंटरेस्ट है, तो यू नो टू फाइंड अ सुटेबल कैरियर की किस तरह से इंफॉर्मेशन ला सकते हैं वो जो जैसे कि पेरेंट्स कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो है, और प्लान कर सकते हैं काउंसलर के कि बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, उस हिसाब से कौन सा करियर बच्चे के लिए सुटेबल रहेगा। जॉइंट प्लानिंग हो सकती है और जॉइंटली जॉइंट डिसीजन हो सकता है, ये बच्चे का, पेरेंट का और प्रोफेशनल्स का। और इसी तरह से जब यू नो व्हेन दे गो फॉर मैरिज द इट्स द रोल ऑफ द काउंसलर टू यू नो गाइड अ चाइल्ड टू बी एबल टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ, तो उसमें भी पेरेंट्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। जी, तो इट्स अ विशियस सर्कल की दैट इन्वॉल्व्स मेनी फैक्टर्स अबाउट द पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट विद द प्रोफेशनल एंड देयर चाइल्ड। जैसे कि आज की जो डिस्कशन थी इट वॉज रिगार्डिंग एंड मेनली फोकसिंग ऑन टू द पेरेंट्स काउंसलिंग, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि सबसे पहले ज़रूरी है पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बिकॉज द चाइल्ड इज स्पेंडिंग मच ऑफ द टाइम विद द पेरेंट्स विद द फैमिली, और हम कैसे उनको अलग अलग स्टेजेस में बच्चे के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको टिप्स दी जा सकती हैं कि हम जो उनको स्किल्स सिखा रहे हैं दैट कैन बी मेड ईजियर, और डिफरेंट प्रोसेस से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए कैसे उनको हेल्प करा सकते हैं, और जो उनके हमने फाइनली देखा जो उनके रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे हम उनको कैसे काउंसलिंग के जरिए कोप अप करा सकते हैं, और फाइनली गिविंग एक्सेप्टेंस टू देयर चाइल्ड बाय द पेरेंट्स। That was the today's discussion regarding the parents counseling. Thank you so much, ma'am, for giving all this information to our viewers. That was all about the today's discussion. Thank you so much.